यार यहाँ पे आग लग गई है यार, हम रस्ते में आ रहे थे वापस, बंदे जो है ना वो आई जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। भाई जान अबू जान जो है वो सामने आ गए हैं। गल सुन गल तो सुन, इन्हों के लाइक सबसक्राइब कर दियो, चल कह दे इन्हों लाइक सबसक्राइब कर दियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार जिन्होंने अभी तक जैनी पेंडू ब्लॉगिंग ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लें, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज का मजेदार व्लॉग करते हैं यहीं से शुरू, अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। टाइम हो गया 11:20, अच्छू जी जा रहे हैं कूड़ा फेंकने के लिए और मैं जा रहा हूँ अम्मी जान को हॉस्पिटल लेके। यार देख सकते हैं यार गैस नहीं आ रही, मैं आपको चेक करवाता हूँ, देख लें कोई साउंड नहीं आ रहा, गैस भी खत्म है, नाश्ता भी नहीं किया हो अभी यार, तो फुल भूख लगी हुई है, तो रास्ते में जाते हुए नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। ना अली भाई भी साथ जा रहे हैं, इन्होंने अपनी ड्यूटी पे जाना है, इनको ड्यूटी पे छोड़ना है, चोरी साहब को छोड़ना यहीं पे, की चैशी चोरी साहब की। हाँ जी सुनाओ की हाल चाल ने, वो की हाल चाल ने, आए बब्बर शेर। तो यार अभी निकलने लगे हैं, तो निकल के इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आप लोगों को मिलते हैं। चाचा जी देखें वो रूढ़ी से पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी, तो बाकी बहरहाल अभी हम निकलने लगे हैं, टाइम थोड़ा है तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 का। हेलो भाई ना, हेलो पैसे, ए पैसे। A few moments later. भाई जान नाश्ता मार आ चुका है, नाश्ते में आलू वाला पराठा और साथ में चिकन वाला पराठा। चिकन वाला पराठा मैंने लगाया अली भाई के लिए और ये वाला पराठा मैंने लगवाया अपने लिए, मजेदार है। तो यार अभी रोटी शोटी मुकाते हैं यार, साथ में चाय आ गई, अगर आपने खाना है जल्दी से आ जाए, नहीं तो हम तो भाई अकेले अकेले खा रहे हैं, तो आपको नाश्ता खत्म करके फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। नाश्ता वाश्ता करने के बाद यार डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गए थे, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो यार अभी हॉस्पिटल पहुंच गए, अंदर अम्मी का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है। अरे खुशी की खबर मिली है, अभी अबू की कॉल आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यार देखिए अबू की कॉल आई और अबू ने बताया है कि कल उनकी फ्लाइट है, तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अरे ये बड़ा सरप्राइजिंग सीन है, मैं प्रॉपर तरीके से मतलब उनसे मिले हुए, मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं, तो यार ये बड़ा सरप्राइजिंग सीन है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। कल उनको इंशाल्लाह एयरपोर्ट से पिकअप करेंगे और उनकी फ्लाइट की डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये उनकी फ़्लाइट की डिटेल्स हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे, ये तकरीबन 3 बजे वो दुबई लैंड हो जाएंगे और दैन फर्दर उनका 2 घंटे का स्टे है, 5:45 पे वो दुबई से चलेंगे और 9:55 पे इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ये देखें ये टाइम लिखा हुआ 9:55, इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह हमने उनको लेने के लिए जाना है। तो यार अभी मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ, ऊँचा इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई आके मुझे ये ना कह दे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। फाइनली भाई जान अम्मी जान का जो ट्रीटमेंट है वो हो चुका है, तो यार रस्ते में से जाते हुए उन्होंने बोला आइसक्रीम लेनी है, तो आइसक्रीम लेते हैं और अबू जान के लिए कुछ बुका शुका लेते हैं, उनका वेलकम करना है, तो यार दोबारा से चक्कर नहीं लगना सिटी का, तो इसलिए जाते हुए इंशाल्लाह उनके लिए वो फ्लावर वाला जो बना होता है ना, बुका सा बना होता है, तो वो लेते हैं और फिर डायरेक्ट चलते हैं घर इंशाल्लाह। यार यहाँ पे आग लग गई है यार, हम रास्ते में आ रहे थे वापस, चेक करें भाई जान आग लग गई है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा भाई। यार घर के करीब करीब आ चुके हैं, तो यार मैंने लगवा लिया अपने लिए बीफ पुलाव और अम्मी के लिए लेनी है वहाँ से आइसक्रीम, चलते हैं फिर वहाँ से आइसक्रीम लेते हैं और चलते हैं फिर घर। तो यार अभी रोटी छोटी और चीज़ें वगैरह लेके घर आ गए हैं यार, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो शाम को लेने के लिए जाऊँगा, अब वो आ रहे हैं तो रोटी छोटी तो बनानी है ना यार, तो उसका भी इंतजाम करना है, तो यार अभी घर आ गए हैं यार, अभी मैं खाना खा के सोने लगा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपको शाम को मिलता हूँ। तो यार जैसा कि आप सबको पता है कि अबू के आने की तैयारियां शरियां चल रही हैं, तो यार अभी मैं आया हूँ नाना अबू के घर, तो उनसे बात करने के लिए, बात उनसे यही करनी है गाड़ी शाड़ी के बारे में कि गाड़ी वाले को उन्होंने बोला है या नहीं बोला, तो फिर हम उसका अरेंज करें, क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम निकल रहे हैं तो टाइम थोड़ा होना है तब। यार फाइनली घर आ गया हूँ, नाना जान से भी बात हो गई और ड्राइवर से भी बात हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये देखें ड्राइवर वाले कमर भाई से बात हो गई है, तो इनके साथ हम गए थे एक दिन से पेंडू से मिलने के लिए, तो यार इनसे बातचीत हो गई है मेरी। अमर भाई कह रहे हैं मैं तकरीबन कल ठीक एग्जैक्ट 9 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो वो इंशाल्लाह 9 बजे मेरे पास आ जाएंगे, तो हम यहाँ से तैयार शुरू होकर निकल जाएंगे, हमारे साथ चोरी साहब ने भी जाना है और हमने भी जाना है, तो यार अभी सोने लगा यार, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है यार, यार सुबह मिलता हूँ यार आप लोगों को यार इंशाल्लाह। नेक्स्ट डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो यार वेलकम बैक हो गया आपका व्लॉग के अंदर, तो यार अगला दिन शुरू हो गया और सूरज चेक कर सकते हैं आप लोग, सूरज बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आ गया, टाइम हो गया 6:37। अबू जान की जो फ्लाइट है वो मैंने आपको कल दिखाया था,
फ्लाइट थी तकरीबन 9:50 की। 9:50 पे उन्होंने तकरीबन इधर सियालकोट एयरपोर्ट पे लैंड हो जाना है, तो हमने 9 यहाँ से निकल जाना है। गाड़ी वाले को मैंने फ़ोन कर दिया था रात को ही, तो वो यहाँ पे आ जाएगा इंशाल्लाह और हम निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी रेडी शेडी में होने लगा हूँ यार, तो कपड़े चेंज करने यार, क्योंकि यार कपड़े काफ़ी ज़्यादा ना डर्टी हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, तो यार कपड़े शपड़े चेंज करते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं यार तैयार शहर होकर। अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग शटिंग करवा के मैं आ गया हूँ यार। तो जनाब चोरी साहब बिल्कुल हैं, रेडी शेडी हुए पड़े हैं, चेक करें। आए तो आज चोरी साहब ने भी जाना है हमारे साथ माशाल्लाह। कपड़े शपड़े इन्होंने पहन लिए हैं, बिल्कुल रेडी शेडी हो गए हैं, दाढ़ी मछला हड़ी है सुभान अल्लाह। तो यार अभी मैं रेडी शेडी होने लगा हूँ, रेडी शेडी हो गए तो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह मिलता हूँ। ये देखें सो गया, ओए 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 उठ, ओ चलिए चल उठ 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 मिनट मार जल्दी कर, गड्डी आ गई है जल्दी कर, उठ 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 शाबाश जल्दी कर। टाइम हो गया 9:00 तकरीबन, 9:00 हमने निकलना था तो सामने गाड़ी वाला आ चुका है। जनाब कमर भाई क्या हाल है, ठीक है? और सुनाए हर तरह खैरियत है? बिल्कुल ठीक है, सेहत भी ठीक है। तो चलिए फिर एयरपोर्ट, ठीक है निकलिए चलो जी। तो यार भाई जान टाइम हो गया 9:53 और अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, ये नहर का नज़ारा चेक करें आप लोग। तो अबू की फ़्लाइट जो है वो लैंड हो गई है, तो बस उनको निकलने निकलते आधा घंटा लग जाना और हम भी 10-12 में इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं। साथ हमारे साथ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और साथ में नाना वो बैठे हुए हैं इधर सीट पे और छोटा बच्चा है साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं फिर साहब, गाड़ी में बैठे हैं और हम लोग जा रहे हैं अबू को लेने के लिए, एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। तो चलो सब ध्यान नाल बहना, ठीक है? ठीक है फिर असं आने बुन लैके। अबू जान की फ्लाइट का जो टाइम था 9:50 था और अभी 10:05 हो गए हैं, तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अराइवल सामने, जो बंदे बाहर से आते हैं वो इधर से आते हैं। पूछा मैंने कुछ भाई जान एयरपोर्ट पे ना, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगी है, ये लगी है कि ये पंखे बिल्कुल हैं लाइन में लगे हुए हैं एग्जैक्ट परफेक्ट, और दूसरी साइड पर भी बिल्कुल ये लाइन में लगे हुए हैं यार। यहाँ से ये सारे लोग ना फ्लाइट के इंतज़ार में खड़े हैं, जो बंदे वहाँ चेकिंग करवा के अपना बोर्डिंग जो भी कोई अंदर प्रोसीजर होता है। ये देखें एक आदमी आ गया, और भी आ रहे हैं, तो बस थोड़ी देर तक जो ही अबू आते हैं फिर इंशाल्लाह आपसे मिलवाते हैं हम। बंदे जो है ना वो आ ही जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। भाई जान अबू जान जो है वो सामने आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। जनाब अबू जान आ गए हैं, तो साहब अच्छा। बहुत खुश है माशाल्लाह। आए खुश हो? आए माशाल्लाह माशाल्लाह। यार अभी हम फाइनली घर जा रहे हैं, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके ओके सर, थैंक यू। गल सुन इन्हों के लाइक सबसक्राइब कर दियो, चल कह दे इन्हों लाइक सबसक्राइब कर दियो भरा, नहीं कह दे। अस्सलाम वालेकुम अबू जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या चल? ठीक हो? ठीक। क्या सर रहा सफर? सफर बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बेहतरीन सफर। रियाज पहुंचे हैं रात में जी, 12:10 ਤੇ ਫਲੈਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਦੁਬਈ। ਅੱਛਾ। ਦੁਬਈ ਸਵੇਰ 10:00 ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਇਜ਼, ਅਭੀ ਹਮ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਬੂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੋ ਚਾਹ ਬਿਸਕਿਟ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਆ ਅਬੂ ਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਯਾਰ ਅਭੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਬੂ, ਤੋ ਅਭੀ ਅਬੂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੋ ਯਾਰ ਯਹੀਂ ਪੇ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਕੋ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਐਂਡ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਕਿਸੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਪਿੰਡੂ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਗਾ, ਦੁਆ ਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਗਾ, ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਫਿਰ, ਓਕਾ ਫਿਰ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।